फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारे टिक द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना ओके। सो एज यू नो दैट हमने चैप्टर रीडिंग करी हुई है, सो इट विल बी हेल्पफुल अस ओके। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं अपने करेक्ट वर्ड्स को ओके। फर्स्ट है हमारा द ओल्ड मैन फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन ए स्पेस इन हिज बेडरूम। तो बूढ़े आदमी ने अपने आप को कहाँ लेटे हुए पाया, बेड पर, कॉट पर या सोफा पर। तो कहाँ पाया था बच्चों, कॉट मीन्स चारपाई पर ओके, COT ओके। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द वर्कशॉप द क्लिपिंग साउंड ऑफ द स्पेस रीच्ड हिज ईयर। तो काम जो कार्यशाला जहाँ पे वो लोग काम करते थे उस कमरे से किसकी आवाज़ आ रही थी जो उसके कानों तक पहुँची, हैमर, चीजल या एक्स। सो किसकी आवाज़ आ रही थी बच्चों, चीजल की, छेनी की ओके। एंड नेक्स्ट है नंबर 3 द ओल्ड मैन थॉट दैट स्पेस डिसीव्ड हिम। सो उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि क्या धोखा दे रहे थे उसे, उसके गोपाल, सलीम और हिज ईयर्स। सो हिज ईयर्स ओके बच्चों, बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं ओके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नंबर 4 ही क्रॉस द स्पेस एंड रीच द स्पेस ओके। सो उसने क्या क्रॉस किया और कहाँ पहुँचा, डोर स्मॉल रूम, स्मॉल रूम डोर, कॉरिडोर स्मॉल रूम। तो वो क्या क्रॉस किया उसने पहले, ही क्रॉस द स्मॉल रूम एंड रीच द डोर ओके। पहले उसने छोटे कमरे को पार किया एंड रीच द डोर, दरवाजे तक पहुंचा ओके। एंड नंबर 5 सलीम वांटेड टू कार्व द, सलीम क्या तराशना चाहता था, क्या बनाना चाहता था, स्कल्पचर ऑफ कृष्णा, एस्ट्रेस या ब्यूटीफुल टेम्पल्स। सो क्या बनाना चाहता था वो, स्कल्पचर ऑफ कृष्णा ओके, ऑप्शन ए। सो दिस इज इट। नाउ द टर्म फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट ओके बच्चों। सो चैप्टर रीडिंग हमने की हुई है, सो ये भी हमारे लिए यूजफुल होगा। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड आउट करेंगे ओके। फर्स्ट है हमारा गोपाल वांटेड टू बिकम द फाइनेस्ट स्टोन मेशन। गोपाल एक बहुत ही अच्छा शिल्पकार बनना चाहता था ओके। सो ये हमारा फॉल्स होगा ओके, नहीं, गोपाल एस्ट्रेस बनाना चाहता था एंड ही वांटेड टू अर्न मोर मनी। नंबर 2 सलीम ब्रॉट ए ग्लास ऑफ स्टीमिंग टी इन हिज हैंड। सलीम अपने हाथ से गरम चाय की गिलास ले आया, ये हमारा ट्रू होगा ओके, यस। नेक्स्ट नंबर 3 सलीम हेल्प द ओल्ड मैन इन कम्प्लीटिंग द बिगेस्ट स्टैचू ऑफ हिज लाइफ। सलीम ने मदद की उस बूढ़े आदमी की उसके जीवन की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के लिए, ट्रू, यस, ये सही है। एंड लास्ट गोपाल रिटर्न एंड रिजॉइन द ओल्ड मैन इन हिज बिजनेस, फॉल्स, नहीं, गोपाल डिड नॉट कम, गोपाल वापस नहीं आया ओके। सो दिस इज इट। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओके। सो हमें यहाँ पे बच्चों कुछ सेंटेंस दिए गए, हमें इनकी मीनिंग को लिखना है। सो चलिए हम रीड करते हैं और उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। माई स्ट्रेंथ इज वेनिंग, मेरी शक्ति कम हो रही है या घट रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, गेटिंग वीक, गेटिंग वीक मीन्स कमजोर होना ओके। नंबर 2 हिज सेरेन फेस इटर्नली ब्यूटीफुल, उसका शांत चेहरा सुंदर था ओके। तो ये इसका मीनिंग होगा एन स्टेबल ब्यूटी, एक स्थिर सुंदरता ओके। एंड नेक्स्ट है एंड लास्ट शॉक हैड इमोबिलाइज्ड हिम ओके, सदमे ने उसे स्थिर कर रखा था। तो ये हमारा होगा बच्चों मोशनलेस, जब बेन समवन इमोबिलाइज, जब कोई स्थिर हो जाता है तो वो मोशनलेस हो जाता है ओके, भाव विहीन हो जाता है ओके। सो दिस इज इट फॉर द एक्सरसाइज एंड दिस इज इट फॉर टुडे। Tomorrow we will continue with our next exercises, okay? So if you have any query about your subject related topics, you can contact on these numbers on your screen
एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्कूल यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स. सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर स्कूल यूट्यूब चैनल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल ऑन यूट्यूब. थैंक यू.